डोंट वरी रोहित, हम वहां पहुंचने वाले, मैंने भी सब सुना है, हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। क्या? हेलो रोहित, रोहित उन्होंने डिस्कनेक्ट कर लिया है। अच्छी बात यह है कि वो जानते हैं कि रमनी चुका है। मनी अंकल, पापा और रश्मा ठीक तो होंगे ना? अपा, हम कमिश्नर से वहां की लोकेशन मांग लेते हैं ना, और फिर हम लोग ही चलते हैं पापा और रश्मा की मदद करने के लिए। हाँ। शमशाद यहाँ क्यों नहीं आया है? सिर्फ मनीष क्यों है? मुझे लगता है शमशाद का अभी भी कोई और प्लान है। क्या करने वाला है वो? देश को आजाद हुए सालों हो गए, पाबंदी है क्या कुछ? आया हूँ किसी अपने बॉस को लेकर आया हूँ। वो रहने दे, ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है। बोला ना, मेरे बॉस को लेकर आया हूँ। उसका नाम पता तो जानता है? अरे उसके लिए काम करता हूँ, नाम पता सब पता, लेकिन बताऊंगा नहीं। हुलिया तो पता है ना? अरे बहरा है क्या? बोला ना उसके लिए काम करता हूँ, हुलिया तो पता ही होगा लेकिन बताऊंगा नहीं। अबे साले, तेरी तो मैं अकल अभी ठिकाने पे लाता हूँ। मनी अंकल, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पापा और रश्मा के अब्बा, प्लीज कैसे भी करके पता लगाइए वो है कहाँ। नहीं नहीं रोही योग, इसमें बहुत खतरा हो सकता है, दिस कुड बी वेरी डेंजरस। और अगर रमन ईशु ने अभी तक अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया है तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, ठीक है? पुलिस अपना काम कर रही है। डोंट वरी, वो दोनों एकदम सेफ रहेंगे। आई जस्ट होप कि इस बारे में घर में तो कोई नहीं जानता। ये मनीष का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं वो रमन वहां पहुंचा होगा कि नहीं। ये मनीष गधा फोन क्यों नहीं उठा रहा अपना? ये अच्छा साइन है, इसका मतलब इशिमा और पापा अभी मिले नहीं है। मतलब रूही ने मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया होगा पापा को, उनको अलर्ट कर दिया होगा। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। थैंक गॉड, रूही समझ गई मेरे मैसेज का मतलब। पापा इशिमा पता नहीं कहाँ होंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे कैसे चले गए, कुछ पता ही नहीं लग रहा करण ने। रूही, जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ है ना, वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं होने देंगे, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। आई एम श्योर कुछ नहीं होगा पापा अश्मा को। अब सब समझ में आ जाएगा तुझे। भाई क्या कर रहे हो भाई, हम यहाँ पे रमन बल्ला और इशिता को ढूंढने आए। चलो भाई प्लीज चलो यार। ए, जिसको भी ढूंढना ना बाद में ढूंढना, तेरे को मेरे बॉस के बारे में पूछना था ना, जानते मेरा बॉस कौन है? बोल तेरा बॉस कौन है। बोलूंगा कि आजा दिखाता हूँ मेरा बॉस क्या करता है। आजा। हाँ ना, यही बताना कौन है तेरा बॉस। नहीं, बता नहीं सकता, दिखाऊंगा। आजा आजा दिखाता हूँ, आजा। अरे छोड़ना, यही देखना। नहीं नहीं देखना क्या करता है मेरा बॉस। अच्छा सुन, मेरे बॉस से मिलना है ना, जानते मेरा बॉस कौन है? कौन है? मेरा जो बॉस है ना, मेरा बॉस है ना। अरे नहीं, बॉस मिले बॉस से। आप लोग सेफ तो हो? हाँ, बार-बार बज गया, आप सही वक्त पे आ गए, थैंक यू सो मच। ये जगह सेफ नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी चलो, बाकी बातें हम लोग बाद में करते हैं। जी, कम फास्ट। रमन प्लीज जल्दी चलो यहाँ से। आप ठीक हो ना? बच गया इसने यार। क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? नहीं शमशाद भाई, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग कार आ गई थी तो हम सबको वहां से भागना पड़ा। मतलब वो रमन हाथ में नहीं आया? पर भाई रमन वहां था ही नहीं। हो सकता है उस करण ने मेरा सिम लिया ही नहीं हो। वैसे भी वो बेवकूफी है, जब भी मिलता है कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देता है। एक बार मेरा फोन पानी में गिरा दिया था और दूसरी बार मेरा फोन गिरा दिया था। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही समझदार समझ लिया, इतना होशियार नहीं है वो कि सिम चिराकर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। एक नंबर का गधा है वो करण। ठीक है, तुम लोग निकलो वहां से। थैंक गॉड इशिमा और पापा सेफ हैं। उससे बड़ा गधा मैं हूँ जो मैंने उस बेवकूफ को इतना होशियार समझ लिया। चल आज की मीटिंग कैंसिल करवा दे डीलर के साथ। ठीक है शमशाद भाई, ये डील हम जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, ये कल की मीटिंग कहाँ होने वाली है ये मुझे पता लगाना है। पापा इशिमा, आप दोनों इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? आप दोनों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आप ये सब करने वाले हो? आप लोगों को पता भी है कि ये कितना डेंजरस हो सकता था, अगर कुछ हो जाता तो आप समझ ही नहीं। ओके ओके, सॉरी बट हो गई गलती। लेकिन तुम ही बताओ ना बेटा, तुम दोनों को हम तकलीफ में कैसे डाल सकते हैं? आपको भी फुटियोल डेंजर है। अरे पर पापा बताना चाहिए था ना, अगर बाय चांस कुछ हो जाता तो
खुद को माफ नहीं कर पाते हम। लेकिन नहीं हुआ ना, बच गए हम लोग, राइट? नथिंग हैपेंड। वही हमने जो किया सब सावधानी से किया और सब कुछ ठीक ही हुआ ना बाबा, प्लीज रिलैक्स। अच्छा वो नेहा, नेहा का क्या हुआ? हाँ आप नेहा की चिंता मत कीजिए, वो सिमी को हैंडल कर रही है उसे। एक काम करो, तुम दोनों जाके सो जाओ, क्वाइट लेट ना। हाँ पर पापा, अभी आपको अगली डील के बारे में कैसे पता चलेगा? हाँ रमन, हमारे सामने तो अभी ये नया चैलेंज आ गया, हमें पता कैसे चलेगा कि अगली बार ये लोग कहाँ मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं? वो आप मुझ पे छोड़ दो। करण, तुम्हें मैंने इसलिए मना किया था ना यार, we had warned you कि आगे प्लान मैं और इशिता एग्जीक्यूट करेंगे, तुम why do you take this risk? कुछ हो जाता तो? पापा मैंने पहले भी हेल्प की है ना आपकी। हाँ वो पापा मैंने बताया था ना आपको, वो जो रन वाला मैसेज था वो करण ने मुझे भेजा था, जबकि उसको ये मैसेज आपको भेजना था, और मैं समझ गई थी कि ये मैसेज आप ही के लिए है, पर इस सब में हेल्प करण ने ही की थी आप लोगों की। पर करण हुआ क्या था एग्जैक्टली? वेल मैंने शमशाद की गाड़ी खराब कर दी। मुन्ना गाड़ी में से पेट्रोल गिर रहा है, टंकी लीक हो गई है शायद, सर्विस के लिए ले जाओ उसे, ठीक है? वहाँ मैं भेस बदल के पहुँच गया और कैब ड्राइवर बन के मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अब उसकी सारी बातें मैंने सुन ली, मुझे उसका प्लान पता लग गया, वो रन वाला मैसेज मैंने भेजा था, बट गलती से आपको जाने की बजाय वो रूही को चला गया। करण तुमने कितनी रिस्क ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। चलो गलती हुई सो हुई, लेकिन बॉटम लाइन इज कि यू सेव्ड अ लाइफ, लेकिन फिर भी तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए था, आई एम स्टिल सेइंग दैट। पर करण तुमने ये सब किया कैसे? बस थोड़ा सा मेलो ड्रामा। एक बात ध्यान रहे मनीष, इस सब के बारे में साहिल भाई को नहीं पता चलेंगे, समझा तू? और सर जी, सर जी संभाल के सर जी, अभी नाक पक टूट जाती है आपकी टेंशन में। शुक्रिया सरदार जी, आपने बचा लिया, थैंक यू। अब शमशाद के आसपास रहने के लिए कुछ तो करना होगा ना, अब बस मुझे इतना ही करना है कि मुझे उसके हर मोमेंट पे ट्रैक रखना है, और मुझे पता चल जाएगा कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। जैसे ही मुझे पता लगे मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा और आप लोग उसे पकड़ सकते हो। It's not a bad idea. लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल, वो लोग बहुत खतरनाक है। करण, आई डोंट बिलीव दिस, बट थैंक यू सो मच। कम ऑन रूही, तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। ओके भाई, खाना खाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा मनीष, वो रमन कैसे नहीं था वहां, और वो बुड्ढे ने भी तो वही कहा था क्यों किसी का इंतजार कर रहा है, तो फिर? पता नहीं भाई, हमारे आदमियों ने काफी ढूंढा पर रमन उन्हें कहीं नहीं मिला। इसका मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि आज डील कहाँ है, मतलब मेरा सिम कार्ड उनके पास नहीं है। अच्छी बात है, अब अगली डील प्लान के हिसाब से ही होगी, कल मिलते हैं उस डीलर से। शमशाद भाई, आपको नहीं लगता हमें अगला कदम उठाने से पहले एक बार साहिल भाई से बात करनी चाहिए, और उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने का बंदोबस्त करना चाहिए? तुझे क्या लग रहा है, मैं भाई को बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा? ना आसान नहीं है मनीष, उस कमिश्नर ने नाक में दम कर रखा है। अरे बाहर निकालना तो दूर, वो हमें भाई से मिलने भी नहीं दे रहा। मन तो करता है सारी गोलियां उसमें जाके ठोक दूं, पर वो लॉयर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, घर ऑफिस सब छोड़ छाड़ के भाग गए हैं, फोन भी बंद आ रहा है उसका। अब हमें कोई और लॉयर ढूंढना होगा जो भाई को जेल से निकाल सके। और तुझे क्या लगता है, अगर हम काम बंद कर देंगे तो भाई को इससे खुशी होगी? नहीं, हमें हमारा काम करते रहना होगा, और वैसे भी भाई तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम सारी डील शहना शाह के नाम से कर रहे हैं, ताकि पुलिस का ध्यान भाई से हटकर शहना शाह पर पहुंच जाए, और हमें हमारे सारे काम ऐसे करना होगा जैसे हमें सारे इंस्ट्रक्शन शहना से मिल रहे हैं, समझा? जी भाई। ताकि वो और फंसती चली जाए और भाई को क्लीन चिट मिल जाए। लगा उस डीलर को फोन। सुन, कल डील कब और कहाँ होगी मैं तुझे बताता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।